पहले पार्ट में डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है और सेकेंड पार्ट उस डिस्टेंस को यूज करके टाइम फाइंड आउट करना है स्पीड अगर टू किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हो गई हो तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम लेट कर लेते हैं कि डिस्टेंस एक्स मीटर है किलोमीटर लेट डिस्टेंस बी एक्स किलोमीटर क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में है इसलिए किलोमीटर में लेंगे ठीक है इसके बाद अब टाइम हमें गिवन है ट्वेंटी एट आवर्स ठीक है और स्पीड इज गिवन हमें फाइव किलोमीटर पर आर ठीक है तो हम इससे डिस्टेंस निकालेंगे सबसे पहले फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हमें तो फाइंड आउट करना है डिस्टेंस तो इसी फॉर्मूले को हम चेंज कर लेते हैं तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम ठीक है ना स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम किसी भी यूनिट का कन्वर्जन नहीं करना है बिकॉज ऑलरेडी टाइम भी आर्स में है और स्पीड किलोमीटर पर आर में वैल्यू पुट करते हैं सॉल्व करते हैं तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड हो जाएगी फाइव किलोमीटर पर आर टाइम ट्वेंटी एट आरस तो ट्वेंटी एट का जब फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे वन फोर्टी किलोमीटर ओके अब नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में आते हैं क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में जब करेंगे तो क्या हो जाएगा इफ द स्पीड इज इंक्रीज मतलब देखिए अब जो एक्स डिस्टेंस जिसे हमने माना था डिस्टेंस की वैल्यू हो गई 140 हंड्रेड फोर्टी किलोमीटर स्पीड टू किलोमीटर इंक्रीज तो फाइव थी तो सेवन किलोमीटर पर आर हो गई अब हमें टाइम फाइंड आउट करना है इसमें ठीक है सेम फार्मूला लेकिन इस बार टाइम फाइंड आउट करना है तो इस फॉर्मूले को हम इंटरचेंज कर लेंगे तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा

स्पीड को टू किलोमीटर पर आर इंक्रीज कर दे डिस्टेंस सेम रहो रहेगी तो ट्वेंटी नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन थैंक यू क्लास सिक्स से 12 नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करें डाउट नेट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर